यदि आप इंडिया नेपाल पाकिस्तान से कहीं से भी आते हो ऐसे टूरिस्ट में या फिर काम करने के लिए कोई भी आते हैं फर्स्ट बार, तो कभी हमको और सा फील होता है ना कि विदेश में आया, किसको किसी को नहीं जानता, कहाँ जाएँ क्या करें। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये जगह, ये अच्छा जगह है, क्या मस्त है यहाँ। हाय व्यूअर्स, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में जीएस प्रोमो चैनल के साथ। तो आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए, हम आ चुका है फिलहाल क्रीक में, जिसे अबरा के नाम से भी जानते हैं। और एक अच्छा बात बताऊंगा आप सबको, बगल में है आपका अलगुबाबा मेट्रो स्टेशन, जिसको अलगुबाबा मेट्रो स्टेशन से कम ज़्यादा जानते हैं नेपाली पार्क के नाम से। यहाँ जुमे के दिन यानी फ्राइडे आप आते हो तो यहाँ पे मैक्सिमम नेपाली आपको नज़र आएगा। और दूसरी बात, यहाँ शाम को बहुत मस्त होता है, यहाँ पे चिल हवा होता है, तो बहुत लोग जॉगिंग करने आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बगल में ही क्रीक है, एक आर्टिफिशियल समुंदर है और कई सारा याच बोट्स हैं, और बगल में यहाँ बैठकर चाय पीने का डब्बा है, आई मीन छोटा मोटा रेस्टोरेंट्स हैं। और चलिए आगे पार्क की ओर लेकर चलते हैं, आप आइए मेरे पीछे पीछे। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ, जैसे कि मैंने बताया था, नेपाली पार्क के नाम से जाना जाता है ऑफिशियली। ये है अलगुबाबा मेट्रो स्टेशन, बगल में देख सकते हैं आप, और यहाँ में कई नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है यदि आप एक टूरिस्ट हैं इंडिया नेपाल पाकिस्तान कहीं से भी आते हो। यदि अंदर जाके दिखाना चाहे वो मैं दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, आज मैं राफली आपको बाहर का थोड़ा दिखाते हैं सीनरियो, जो कि हिंदी में क्या कहते हैं नज़ारा, है ना। आइए तो चलते हैं मेरे साथ बाय वॉक करते हुए। ऐसा कुछ पार्क है, फिलहाल बाहर का जो गर्मी है बहुत तेज़ है तकरीबन। बड़ा गर्म है यार, थोड़ा बैठते हैं और बातें करते हैं आपसे। जब मैं विजिट पे आया था यहाँ में पहला बार, तो यही ढाबा का यूज़ किया था, आई मीन इसका नाम लाजा बोलते हैं। शाम को मैं आता था और बस चाय पी के यहाँ बस मज़ा लेता था। फिलहाल बहुत गर्मी है इसलिए बाहर लोग आपको नज़र नहीं आ रहा है, वरना शाम के समय ना बहुत लोग आते हैं। मैं एक दिन ऐसा करूँगा, स्पेशली शाम का वीडियो बनाऊँगा इसमें आके, इवनिंग वॉक के टाइप से ना, तो दिखाऊँगा यहाँ में कितना लोग होता है और रात का जो नज़ारा कैसा है ना, ये सब दिखाएंगे। यह अभी दिन के समय पर है, हालाँकि लोग ज़्यादा नहीं है लेकिन मस्त है पार्क। यदि आप इंडिया नेपाल पाकिस्तान से कहीं से भी आते हो ऐसे टूरिस्ट में या फिर काम करने के लिए कोई भी आते हैं फर्स्ट बार, तो कभी हमको और सा फील होता है ना कि विदेश में आया, किसको किसी को नहीं जानता, कहाँ जाएं क्या करें। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये जगह, ये अच्छा जगह है। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप विदेश में, एशियन टाइप से है, स्पेशली इंडिया नेपाली पाकिस्तान लोग आपको सब यहाँ मिल जाएगा। तो आपको यहाँ का जो घर का जो स्ट्रक्चर वगैरह भी ऐसे ही कुछ है, माहौल भी ऐसे ही कुछ है, तो यहाँ आके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, रिलीफ मिलेगा। तो इस जगह का नाम है, मैं आपको बताया है, अलगुबाबा मेट्रो स्टेशन है, जो कि नेपाली पार्क के नाम से जाना जाता है। कोई भी टैक्सी ड्राइवर को पूछो बता देगा। और बाकी थोड़ा आगे चल के बात करते हैं, फिलहाल थोड़ा रेस्ट करता हूँ और आप नज़ारा देखो, मैं शॉट लेता हूँ। यहाँ के जो लोकल होते हैं उनका रहन दहन क्या था पहले, है ना, उनका कपड़ा क्या था, उनका ट्रेडिशनल गारमेंट्स क्या था, उसका ज्वेलर्स क्या था, वो सब यहाँ पे उनको देखने को मिला। जैसे यहाँ लिखा है ट्रेडिशनल हेल्थ केयर हो गया, आपका परफ्यूम्स हो गया, बहुत कुछ है यहाँ में, वो सब देखने को मिलता है। तो आप आके देख सकते हैं।
दुबई से न्यू दुबई में आ गया। बताओ दोस्तों कैसे लगा आपको आज का ब्लॉग? मुझे तो बड़ा मज़ा आया, उम्मीद करते हैं ब्लॉग आपको भी पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की आपको दिखाने का छोटा सा ट्रिक जिसे बरदुबा एक की आप आपड़ा के नाम से भी जानते हैं, और आपका ये अलगुबा में बस स्टेशन, अलगुबा में मेट्रो स्टेशन जिसे नेपाली पार्क के नाम से जाना जाता है, बड़ा मशहूर जगह है। जो भी विजिट मैन से यहाँ रहने के लिए पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत एक्सेसिबल है, कहीं भी जा सकते हैं, बस स्टेशन मेट्रो स्टेशन सब नज़दीक पे है ना। और ख़ास बात तो ये है कि विदेश जैसे नहीं लगता, प्रार्थना मॉल है यहाँ पर। तो ऐसा ही मज़ेदार वीडियो के लिए बने रही है जीएस प्रोमो चैनल के साथ, और हम मिलते हैं एक बढ़िया वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।